हेलो, कैसे हो बच्चों? कल हमने बात किया था केमिकल रिएक्शन के बारे में, और आप लोगों ने केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं वो आप सीख चुके होंगे, जिसमें हमने बात किया था केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं और एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं, ये हमने सीखा था। थोड़ी बहुत बात हमने बैलेंस करने के लिए केमिकल इक्वेशन के बारे में बताया था। आज उसकी मेथड के बारे में चर्चा करते हैं कि बड़ा केमिकल इक्वेशन अगर कोई हो तो हम उसे कैसे बैलेंस करेंगे और बैलेंस करने का क्या इम्पोर्टेंस है। कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस क्यों लिखी जाती है? व्हाई यू शुड राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन व्हेन एवर वी हैव टू राइट ए केमिकल इक्वेशन। सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव लर्न इन क्लास 9th that conservation of mass, that mass is conserved during any chemical reaction, mass is not going to change. So mass remains conserved, and it is possible if and only if the number of elements in reactant, number of atoms of any elements in reactants will be same as the number of atoms of that element in product as well. So जितना हमारे रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उतना ही प्रोडक्ट में भी एलिमेंट्स होने चाहिए। वो एलिमेंट तो बदलते नहीं है, कंपाउंड बदल जाता है, बट एलिमेंट तो सेम रहते हैं। और एलिमेंट ही नहीं, उनके एटम्स भी सेम होने चाहिए। जैसे अब आयरन किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के फॉर्म में है तो प्रोडक्ट में एल्युमिनियम नहीं मिलेगा, वो आयरन ही रहेगा। आयरन का कोई कंपाउंड हो जाएगा, हो सकता है कि आयरन फेरिक ऑक्साइड हो तो निकल करके कुछ फेरस ऑक्साइड बन जाए, या ऐसा कुछ हो सकता है। बट ये नहीं कि आयरन हमने रिएक्टेंट में डाला और प्रोडक्ट में एल्युमिनियम निकल गया। तो एलिमेंट भी सेम होते हैं और उसके एलिमेंट के एटम्स भी सेम होंगे। तो आज हमें ये सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं एंड व्हाई केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। तो बैलेंस इसलिए है जो अभी हमने बता दिया आपको कि चूंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए और इस बात को पूरी तरह से जस्टिफाई करने के लिए हमें क्या करना होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना होता है। कोई पूछेगा कि व्हाई केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस, तो हम कह सकते हैं टू बिकॉज मास इज रिमेन्स कंजर्व्ड एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन सो दैट मास ऑफ रिएक्टेंट will be same as the mass of product and during any chemical process the conservation of mass should be follow right ना? तो इसलिए हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, अब सवाल है कि बैलेंस करते कैसे हैं? तो इसके लिए 7 पॉइंट फॉर्मूला है, 7 तरीके हैं जिस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस लिखेंगे, 7 स्टेप्स कह सकते हैं। और ये 7 स्टेप जो है, 7 जो स्टेप्स है उसको अच्छी तरह से अगर आप आज समझ पाएंगे तो आगे आने वाले समय में जब भी आप केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो आप बैलेंस ही लिखेंगे। तो इन सारी बातों का जवाब होगा धीरे धीरे। चलिए शुरुआत करते हैं और आज की क्लास में अब बात करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है और इसे कैसे लिखते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये टॉपिक है एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन, द केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन इन विच मास रिमेन्स कंजर्व्ड, रा मास रिमेन्स कंजर्व्ड एंड द नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स ऑफ एन इन एन एल ऑफ एन एलिमेंट विल बी एलिमेंट आर सेम एज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट इन प्रोडक्ट, इन प्रोडक्ट। ठीक है, द इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंस।
Then equation is called balanced, राइट? ये चीज होती है, तो इक्वेशन बैलेंस कहा जाता है, समझ गए? लिख चुके, ओके। तो अब बैलेंस कैसे करते हैं, ये बात सीखने के लिए हम थोड़ा आगे बात करते हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते कैसे हैं, ठीक है? अब कल हमने इसका एक एग्जांपल भी दिया था कि जैसे H2 और O2 मिलकर के H2O बनाया, तो उसमें देखेंगे कि कैसे ये जो मास है वो कंजर्व रहता है, या कोई और अगर हमने रिएक्शन कर लिया कि CH4 जो है मीथेन, कल दूसरा एग्जाम्पल लिया था CH4+O2 ये बन गया था CO2+H2O, राइट? तो इसमें भी कैसे बैलेंस है, लेट अस चेक इट। और पहले इसको बैलेंस लिखते हैं, उसके बाद ही बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि कल हमने किया था कि ऑक्सीजन 2 है, इधर 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की संख्या बराबर होनी चाहिए, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 और 2 4 हो गए, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा। कार्बन यहाँ 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर भी हाइड्रोजन 4 है। तो अब देखो मास ऑफ रिएक्टेंट्स, मास ऑफ रिएक्टेंट्स क्या हो गया, तो कार्बन की मास होती है 12 और हाइड्रोजन की 1, तो 1 × 4 ये हो गया। तो कार्बन की 12 और हाइड्रोजन की 1 होती है, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2, इसलिए कि 2 मॉलिक्यूल्स है और 1 मॉलिक्यूल्स का मास ऑक्सीजन में 2 एटम है और 1 एटम का मास होता है 16, 2 एटम का मास 16 × 2, और चूंकि 2 मॉलिक्यूल्स है तो ट्वाइस ऑफ हो जाएगा, तो ये टोटल हो गया 12+4 16, एंड 16 × 2 32 × 2 64, 64 + 16 is 80, 80 U। अभी हम आगे बात करेंगे इसको कि ये क्या है, U क्या है, यूनिट है, यू स्टैंड फॉर यूनिट, अभी समझ लीजिए। और ये हमने कह दिया कि 80 यूनिट के बराबर है मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है? अब मास ऑफ प्रोडक्ट क्या है, देखो प्रोडक्ट्स, तो मास एक प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड निकला है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 × 2, 2 एटम है, प्लस 2 × क्या, तो हाइड्रोजन 2 है, 1 × 2, प्लस ऑक्सीजन 16, ये मिल गया 16 × 2 32, प्लस 12 44, प्लस यहाँ पे 16 2 × 1 2, 16 2 18, 18 × 2 36, और ये भी हो गया 80 U। तो आप देख पाए, यू हैव ऑब्जर्व हियर दैट मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज सेम एज मास ऑफ प्रोडक्ट्स, एंड देयरफॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज फॉलोड हियर ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का फॉलो किया गया, ठीक है? तो अब हमें जो सीखना है वो कि किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे लिखते हैं। केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने से पहले केमिकल इक्वेशन को लिखना होता है, और लिखने के लिए भी 2 स्टेप्स हैं। पहला एक है वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन क्या होता है, कल इसके बारे में थोड़ी सी बताई थी। जैसे मैं कहूं कि जिंक सल्फेट रिएक्ट, जिंक रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड एंड इट फॉर्म जिंक सल्फेट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, तो ये एक हमारी स्टेटमेंट हो गई कि जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट किया और बनाया जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। इस बात को हम लैंग्वेज के रूप में लिख सकते हैं, तो उसको हम कहेंगे वर्ड इक्वेशन। सो वर्ड इक्वेशन व्हाट इज दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हियर वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन, एंड व्हाट इज दिस वर्ड इक्वेशन, इन विच रिएक्शन इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ वर्ड, फॉर एग्जांपल जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड इट विल फॉर्म जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस रिलीज हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। सो दिस इज कॉल्ड वर्ल्ड इक्वेशन।
वर्ड इक्वेशन इज इक्वेशन इन विच, लो एक ही लाइन में लिख देता हूँ, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, दैट इज जिंक सल्फेट जिंक सल्फेट जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो इस तरह से लिख दिया, तो ये कहलाता है वर्ड इक्वेशन। इसी इक्वेशन को स्केलेटल इक्वेशन के फॉर्म में अगर हम लिख सकते हैं, स्केलेटल इक्वेशन, ये एक स्केलेटल इक्वेशन क्या होता है कि इसी को फॉर्मूला अगर लिख दिया जाए प्रॉपर, तो ये कहलाएगा स्केलेटल इक्वेशन। मतलब जिंक के लिए ZL, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए H2SO4, और ये बन गया ZnSO4, जिंक सल्फेट का फॉर्मूला लिख दिया प्लस हाइड्रोजन, तो ये कहलाएगा स्केलेटल इक्वेशन। अब इस स्केलेटल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए ये देखना होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट्स दैट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रोडक्ट, वो तो होगा ही होगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जिंक है तो जिंक ही रहेगा इधर। बट हमें एटम्स को देखना है कि एटम सेम है कि नहीं उस एलिमेंट के। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, ZN यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी जिंक के एक एलिमेंट दोनों तरफ है, हाइड्रोजन के दो एटम्स जिंक एलिमेंट के एक एटम दोनों तरफ है, हाइड्रोजन के दो एटम दोनों तरफ है, सल्फर के एक एटम दोनों तरफ है, और ऑक्सीजन के 4 एटम दोनों तरफ है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। बट ऐसा हमेशा नहीं होता, समटाइम्स ये स्केलेटल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना पड़ता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी बैलेंस्ड है, नंबर ऑफ एटम्स इन ऑफ एनी एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट इज सेम एज नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये बैलेंस है। सो यहाँ पे कह सकते हैं कि द इक्वेशन इज बैलेंस्ड, इक्वेशन इज बैलेंस्ड, यहाँ पर हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। तो लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा ये समझ लें कि एक होता है वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन में क्या होता है कि हम आइटम्स को एलिमेंट्स को वर्ड के रूप में लिखते हैं, जैसे यहाँ जिंक लिख दिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिख दिया, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, ये 4 चीजें बनी है, 2 चीजें रिएक्टेंट के, 2 चीजें प्रोडक्ट के, इन चारों चीजों को, चार जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स में जो सब्सटेंस हैं उनका नाम लिख दे वर्ड में, तो ये कहलाएगा वर्ड इक्वेशन। अगर उनका फॉर्मूला लिख दे तो ये कहलाएगा स्केलेटल इक्वेशन, और फॉर्मूला में अगर सारे एलिमेंट्स के एटम्स रिएक्टेंट में जितने हैं उतने ही अगर प्रोडक्ट में भी हैं, तो इसका मतलब हम कहेंगे इक्वेशन इज बैलेंस, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जैसा कि मैंने कहा कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि ऑलरेडी बैलेंस हो, तो उसे बैलेंस करना पड़ता है, और बैलेंस करने के लिए 7 स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को आज समझते हैं कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसके जरिए हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो आइए एक इक्वेशन लिखते हैं, उसके बाद हम उसे बैलेंस करते हैं। तो चलिए सबसे आसान सा इक्वेशन एक लिखते हैं, और ये इक्वेशन है कि आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, जो आयरन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है फेरिक ऑक्साइड, और इस इक्वेशन को हम लिखते हैं जो जंग जिसको आप कहते हैं। तो आयरन जो है वो एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, यानी मॉइस्चर जो है, ये मॉइस्चर है, इसके साथ रिएक्शन करके ये बनाता है Fe3O4 प्लस इवॉल्व होती है हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, और इसमें आप देखें कि एक आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इधर भी आयरन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो तीन एलिमेंट्स कुल मिला करके इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। उन तीनों एलिमेंट्स को हमें ध्यान में रखना है कि उनके कितने एटम्स रिएक्टेंट में हैं और कितने एटम्स प्रोडक्ट में। तो सबसे पहले ये जो एक है, कोई भी लिखा हुआ है, ये एक कंपाउंड है पूरे, इसमें ऑक्सीजन की संख्या अगर कहीं बराबर करनी है या किसी भी एलिमेंट की बराबर करनी है, तो इधर में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
बट इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये नहीं कि यहाँ पे O2 लिख दिया या इधर O3 लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहला जो स्टेप है, स्टेप 1, वो क्या है कि ये जितने भी लिखे हैं इनको एक बॉक्स में बनाओ, ये बॉक्स में, कि इसके अंदर हम बाहर में कुछ लिख सकते हैं, इसके अंदर में कुछ नहीं कर सकते। इस बॉक्स के अंदर हम कुछ नहीं कर सकते, बाहर में जो 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 लाख से मल्टीप्लाई करना है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन इसके अंदर में हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक स्टेप हुआ जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। अब स्टेप 2 क्या है, ध्यान से देखिए। स्टेप 2 ये है कि आपको देखना होगा कि जो जो एलिमेंट्स हैं उनके कितने एटम्स रिएक्टेंट में हैं, ये लिखा एलिमेंट्स, ठीक है, और इसके नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, एटम्स इन रिएक्टेंट, और नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, ठीक है। तो एलिमेंट्स हमारे पास 3 ही है, एक है आयरन, दूसरा क्या है हाइड्रोजन, और तीसरा क्या है ऑक्सीजन। इसके नंबर ऑफ रिएक्टेंट 1 है जबकि प्रोडक्ट में 3 है, 3 फेरस है। इधर हाइड्रोजन जो है वो 2 है और इधर में भी हाइड्रोजन 2 है। तो हाइड्रोजन जो है इधर 2 है, इधर 2 है। ऑक्सीजन इधर में रिएक्टेंट में कितने हैं, 1, और प्रोडक्ट में कितने हैं, 4। तो ये 2 स्टेप आपको पहले करने चाहिए। पहला स्टेप क्या किया बच्चों, कि बॉक्स बनाया। दूसरा स्टेप क्या किया कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिएक्टेंट में हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो प्रोडक्ट में हैं, उनका एक हमने क्या बना लिया, उनका एक टेबल बना लिया, है ना, कि उनका एक टेबल बना लिया हमने। और इस टेबल के आधार पे हम डिसाइड करेंगे कि कितने इसमें से एटम्स किसके हैं और कितने और चाहिए, कितने और चाहिए, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। और ये बॉक्स बन गया, ठीक है। इसी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट आपके आ गए। तीसरा स्टेप क्या है कि इस इक्वेशंस को बैलेंस करते वक्त सबसे पहले हमें, इस इक्वेशन को बैलेंस करते वक्त सबसे पहले जिसमें ज्यादा एलिमेंट्स हैं उसको बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा है प्रोडक्ट में, है ना, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो स्टेप 3 में बैलेंसिंग फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है ना, ये हम काम कर रहे हैं, बैलेंसिंग फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा एलिमेंट होना चाहिए, जिसके एटम्स ज्यादा है, चाहे वो रिएक्टेंट में हो चाहे वो प्रोडक्ट में हो। तो सबसे ज्यादा एलिमेंट अगर आप देखें तो एलिमेंट इसके हैं 4, तो इसको बैलेंस करने की जरूरत है हमें, है ना। और इसको बैलेंस करने के लिए क्या करें कि इधर अगर 4 है तो इधर में हम यहां पर 4 नहीं लिख सकते अंदर में, चाहे यहां पे 4 नहीं लिख सकते अंदर में, हमें 4 क्या करना होगा कि बाहर कांस्टेंट से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये 4 हो, ठीक है। इसमें बाहर से ही हम 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अंदर कुछ नहीं कर सकते। तो हम लिख देंगे Fe+4H2O और ये बन गया Fe3O4+H2। बोलिए, अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, तो इसको कहते हैं पार्शियली बैलेंस, पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन। ये पूरा अभी बैलेंस नहीं हुआ, पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन कह सकते हैं इसमें। हमने ना तो इसको अभी स्केलेटल रहने दिया, ऊपर में क्या था स्केलेटल, अब ये ना तो स्केलेटल रहा ना बैलेंस है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन। अब जो एक एलिमेंट ऑक्सीजन की तो हमने काम कर ली, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया, अब हाइड्रोजन बचा है और आयरन बचा है। तो यूजुअली जो एटम इकलौता होता है उसको सबसे आखिरी में हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो तो इकलौता है, उसमें जितना से मर्जी उतना से मल्टीप्लाई कर दो, और जो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होता है उसको हम पहले देखते हैं। तो हम हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो हाइड्रोजन जो अब रिएक्टेंट में कितने हो गए, देखो 4 इंटू 2,
ये पूरा बॉक्स को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है। इस बॉक्स के अंदर दो हाइड्रोजन थे, 4 से मल्टीप्लाई करने से कितने हो गए हैं, 8। तो 8 हाइड्रोजन इधर हो गए हैं, तो इधर भी 8 होना चाहिए। तो इस बॉक्स में कितने हाइड्रोजन हैं, 2। तो इसको भी हम 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा दूसरा इक्वेशन को हमने स्टेप 4 में हमने फिर से ये कर दिया कि 4H2O, ठीक है, और इधर में है Fe3O4 प्लस 4H2। अब ये भी हो गया बैलेंस, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब तीसरा एलिमेंट जो है वो हम स्टेप बैलेंसिंग अदर एलिमेंट्स, इस स्टेप का नाम है बैलेंसिंग अदर एलिमेंट्स, है ना। पांचवा स्टेप जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको बैलेंस करना है, तो बैलेंसिंग अदर एलिमेंट्स। अदर एलिमेंट्स क्या है, आयरन है जिसकी अभी नहीं है, तो इधर में आयरन कितने हैं, 3, और इधर में 1 है, तो इसलिए इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दे। तो Fe जो ये बॉक्स है इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 4H2O, और बना जो वो हो गया Fe3O4 प्लस 4H2। तो अब यहाँ पर हमारा हो गया पूरा, देखो आयरन इधर 3 है, इधर भी आयरन 3 है, ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर भी 4 है, हाइड्रोजन 8 है, हाइड्रोजन 8 है। अब हम कह सकते हैं कि तीनों के तीनों ही एलिमेंट हमारा बैलेंस हो चुका है, और इसको अभी तक इसको भी हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है, पार्शियली बैलेंस्ड है, लेकिन नाउ इट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन, इट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है, ये हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये 5 स्टेप हो गए। अब छठा स्टेप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें छठा स्टेप ये कर सकते हैं कि हम इसमें करेक्शन देख लेंगे कि कोई करेक्शन है क्या। तो करेक्शन कैसे देखोगे, फिर इसी तरह का टेबल बना के आप देख सकते हो कि करेक्शन है कि नहीं, ठीक है, और ये टेबल फिर उसी तरह का हम अगर बनाएं तो इस तरह का बनेगा कि ये एक टेबल हो क्या, है ना, और इसमें हम लिख देते हैं एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट्स, ये एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट्स, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रोडक्ट, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन, बेसिकली एटम्स लिखना है ना। तो ये हो गया हमारा, इस तरह का एक टेबल हमने बना दिया, और ये एलिमेंट और नंबर ऑफ, इसमें हम लिख देते हैं ये है एलिमेंट और ये है नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, इसमें है नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब देखिए फिर से हम वही कर लेते हैं, आयरन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, आयरन इसमें कितने हैं, 3, इधर भी 3 है, हाइड्रोजन है इधर 8, इधर भी 8, ऑक्सीजन इधर 4 है और इधर भी है 4। तो ये पांचवा छठा स्टेप हो गया हमारा कि हमने क्या कर लिया, हमने करेक्शन चेक कर लिया कि कोई करेक्शन है क्या, और अगर कोई करेक्ट कर लिया है या नहीं किया है इस बात को, जस्ट चेकिंग द करेक्शन कि हमने करेक्ट किया है कि नहीं किया है। अब इसके अलावा इस इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, तो इसको ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। जैसे हमें किसी सब्सटेंस के बारे में पता है कि ये गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, तो हम उसे लिख सकते हैं कि सातवां स्टेप ये होता है स्टेप 7 कि हमें किसी सब्सटेंस के बारे में अगर पता है तो सॉलिड के लिए, जहां सॉलिड सब्सटेंस होगी तो उसके लिए S लिख देते हैं, गैस के लिए अगर गैस पता है तो G लिख देते हैं, अगर ये पता है कि वो कोई सॉल्यूशन है, एक को सॉल्यूशन सॉल्यूशन बन रहा है तो उसको हम लिख देते हैं AQ, एक्वस, एक्वस के लिए AQ लिख देते हैं। तो सॉलिड अगर कोई लिक्विड है तो उसके लिए हम L लिख देते हैं। अगर मान लो कि टेम्परेचर दे रहे हैं, किसी टेम्परेचर दे रहे हैं इक्वेशन में, तो एरो के ऊपर यहाँ पे टेम्परेचर दे रहे हैं तो टेम्परेचर लिख सकते हैं, कितने डिग्री टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो रहा है,
ठीक है ना। तो बीच में जो ये एरो दे रहे हैं उस पे हम टेम्परेचर लिख सकते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर प्रेशर पे है तो प्रेशर की वैल्यू लिख सकते हैं कि प्रेशर इतना प्रेशर पे इरेक्शन हुआ। अगर कोई कैटलिस्ट है, मान लो कि सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है या कोई और कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट क्या होता है, वो होता है कैटलिस्ट ऐसी चीज, तो उसका नाम लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब यही मान लें कि कैटलिस्ट सनलाइट है, सनलाइट है। यानी कैटलिस्ट क्या होता है कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो डायरेक्टली नहीं करता, लेकिन रिएक्शन को स्लो या फास्ट करवा देता है, उसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो ये भी नहीं कह सकते कि टोटली पार्टिसिपेट नहीं करता, बट पार्टिसिपेट करता है पार्शियली, पूरी तरह से ये कहेंगे कि उतने प्रेशर पे होगा, एक कंडीशन प्रोवाइड करता है कि सनलाइट होगा तो रिएक्शन होगा, इतना प्रेशर होगा तो होगा, इतना टेम्परेचर होगा तो होगा, इनकी प्रेजेंस में होगा, कोई और एलिमेंट्स या कंपाउंड्स है उनकी प्रेजेंस में होगा, तो कैटलिस्ट कहलाता है वो चीज। जैसे दो बच्चों में मान लो झगड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन एक तीसरा आदमी है और वो उसके आने से झगड़ा अगर उनमें हो जाए तो ये कहेंगे कि वो कैटलिस्ट का काम कर रहा है। इसी तरह से दो या दो से अधिक कंपाउंड में अगर रिएक्शन नहीं हो रहा है और एक तीसरा ऐसी चीज आ जाता है दोनों के बीच में डाल दिया जाता है, तो उसमें रिएक्शन हो जाती है और जो तीसरा चीज है वो एज इट इज ही फिर प्रोडक्ट में निकल आता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये कैटलिस्ट है, या उस प्रोडक्ट में से कुछ हो सकता है पार्शियली इस्तेमाल हो भी जाए लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से एज इट इज निकल आता है, तो उसको हम कहते हैं कि कैटलिस्ट का काम कर रहा है, तो कैटलिस्ट है। तो ये हमें इंफॉर्मेशन को ज्यादा, इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिक बनाने के लिए, जैसे आप नहा धोवा के आते हैं घर से और आप क्या कर लेते हैं, ज्यादा सुंदर लगने के लिए बालों में कंघी कर लेते हैं, है ना, थोड़ा सा अच्छा सा कोई फेस पैक लगा लेते हैं या कुछ इस तरह का कपड़े पहन लेते हैं जिससे आप ज्यादा अच्छे लगे। तो इस तरीके से इक्वेशन को वही समझ लो कि अच्छा करना है, अच्छा करना है मतलब इन्फॉर्मेटिक्स करना है, ज्यादा इंफॉर्मेशन उसके अंदर दिखना चाहिए। तो अगर हमें पता है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इक्वस है, चाहे रिएक्टेंट में हो चाहे प्रोडक्ट में हो, तो हम उसकी जगह पे लिख देंगे। अगर पता नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि लिखना जरूरी है, लेकिन अगर पता है और कंडीशंस भी पता है तो उसे लिख करके ज्यादा इंफॉर्मेटिक बनाया जा सकता है। समझ में आ रही है? जैसे वाटर है, मॉइस्चर है, तो ये मॉइस्चर है लेकिन ये वाटर जो है वो लिक्विड के फॉर्म में नहीं है और ये गैस के फॉर्म में है, लगभग ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में है मॉइस्चर, तो ये एक्वस टाइप का चीज है कि एक्वस फॉर्म में है, न तो ये पूरी तरह से लिक्विड है न पूरी तरह से गैस है, ठीक है ना, तो ये एक्वस फॉर्म में है, ये कह सकते हैं, जो दोनों के बीच में होता है, ना सॉलिड ना लिक्विड, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो इक्वस है, वो सॉलिड लिक्विड में ही अगर सॉलिड मिला हुआ है या दो तरह के चीजों का मिला हुआ है तो उसको हम कह सकते हैं कि ये इक्वस फॉर्म में है। वाटर यहाँ पे ह्यूमिड एयर, ह्यूमिड एयर में क्या है कि एयर में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐसे दिखते नहीं है, बहुत माइक्रो ऑब्जर्वेशन करने पे दिखेंगे। तो इस तरह का हम इन्फॉर्मेटिक्स बना सकते हैं, ज्यादा क्वेश्चन जो है, इक्वेशन जो है, उसमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन डालेंगे तो ज्यादा इम्प्रेसिव होगा। ठीक है, अब कुछ सवाल करते हैं, ये समझ में आ गया आई थिंक। एक बार फिर से इस सारे स्टेप को दोहराया जाए क्या? सबसे पहला काम क्या करना है, आपको बॉक्स बनाना है। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम आपको ये करना है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में उनको लिखने हैं, ये दूसरा स्टेप है कि जितने एटम्स रिएक्टेंट में हैं और प्रोडक्ट में है वो लिखना है। तीसरा क्या करना है कि बॉक्स बना देना, अच्छा तीसरा क्या करना है कि सबसे बड़े एलिमेंट्स को आप चाहें तो, जो बड़े एलिमेंट्स का मतलब जिनके बड़े एटम्स हो, ज्यादा एटम्स हो, उनको बैलेंस कर दे, उसके बाद बचे हुए एलिमेंट्स में से किसी और के एटम को बैलेंस करें। ध्यान रहे कि जो इंडिपेंडेंट है, जैसे ये है Fe, इसको हम बाद में बैलेंस कर सकते हैं, अकेले है, इसमें कितने से भी मल्टीप्लाई करें दूसरे को फर्क नहीं पड़ेगा, तो उनको बैलेंस कर बाद में करते हैं। और बाकी जिनके मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनको हम उसके बीच में पहले कर लेंगे। तो सबसे पहले ज्यादा एटम वाले, उसके बाद जो मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं जिस एटम के,
उस एटम को बैलेंस करते हैं, और आखिरी में जो इनडिपेंडेंट एलिमेंट हैं उनको हम बैलेंस करते हैं। तो ये बैलेंस कर लेने के बाद फिर क्या करना है, करेक्शन करना है, और करेक्शन दे चेक कर लेना है, चेकिंग द करेक्शंस कि हमारे एलिमेंट सेम हैं कि नहीं है, और एलिमेंट्स का मतलब एलिमेंट्स के एटम सेम है कि नहीं है रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट में। और आखिरी काम ये करना है कि इक्वेशन को हमें बैलेंस फॉर्म में लिखना है। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं। दो एक दो तीन हम लिख के दिखाते हैं, बाकी आप खुद लिखना, ठीक है। सो वी हैव इंफॉर्मेशन दैट सोडियम रिएक्ट विथ वाटर। इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, इंफॉर्मेशन है हमारे पास, इंफॉर्मेशन है कि सोडियम रिएक्ट विथ वाटर, सोडियम रिएक्ट विथ वाटर एंड फॉर्म हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड इवोल्व हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि भाई ऐसा है कि एक सोडियम रिएक्ट कर रहा है वाटर से, और इसके अब हमें इक्वेशन बैलेंस लिखना है। तो सोडियम वाटर के साथ, अगर सोडियम प्लस वाटर इज इक्वल टू सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस लिखें तो ये वर्ड इक्वेशन होगा। वर्ड इक्वेशन नहीं लिखते हम, स्केलेटल इक्वेशन से शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, सोडियम प्लस वाटर H2O, और ये क्या बना दिया, ये बना दिया NaOH प्लस H2, ये है NaOH प्लस H2। अब इस इक्वेशन को हमें, ये स्केलेटल इक्वेशन है और इसको हमें बैलेंस करना है। तो जैसा कि हमने बताया है स्टेप वाइज लिखेंगे। तो स्टेप वन क्या था कि इनको बॉक्स में बनाओ, है ना, इनको बॉक्स में बनाओ, ये है ना NaOH और फिर क्या H2, यही है ना, ये करना था हमें। स्टेप टू क्या था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें लिखने थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें लिखने थे, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके, तो जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें लिखने थे। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखने के लिए कौन कौन से इसमें एलिमेंट है वो देख लीजिए। इसमें है सोडियम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसी तरह से तीन एलिमेंट्स हैं, तो सोडियम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, राइट, ये तीन हमारे पास एलिमेंट है। इनकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट देखिए, सोडियम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सोडियम रिएक्टेंट्स में कितने हैं, एक, हाइड्रोजन है दो और ऑक्सीजन है एक। प्रोडक्ट में सोडियम कितने हैं, एक है ना, एक है सोडियम। हाइड्रोजन कितने हैं, तीन, और ऑक्सीजन है एक। अब इसको हमें बैलेंस करना है, इस चीज को हमें बैलेंस करना है कि हम कैसे इसको बैलेंस करें। ये रिएक्टेंट के हैं, ये प्रोडक्ट के हैं, आपको पता ही है, ये रिएक्टेंट के हैं, ये प्रोडक्ट के हैं। तो अब तीसरा काम है कि हम सबसे बड़े एलिमेंट वाले को, जिसका एलिमेंट सबसे बड़ा है उसको, जिसका एटम सबसे बड़ा है उसको बैलेंस करें। तो एटम किसका बड़ा है बताइए, इसके तीन एटम है हाइड्रोजन के, तो हमें हाइड्रोजन को ही बैलेंस करना चाहिए। तो अब लिखते हैं हम इसके कैसे करेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस। यहाँ पे हाइड्रोजन तीन है, देखिए दो और एक तीन, इधर में अगर हम मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो या तो हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर हो जाएंगे, है ना, थ्री तो होंगे नहीं, तो इसको थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, या तो टू से मल्टीप्लाई करें तो ये फोर हो जाएंगे। तो टू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, हम हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई करें टू से, तो टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगा Na प्लस टू एच टू ओ, और इधर हो जाएगा NaOH प्लस H2। बोलिए ये पार्शियली हो गया। अब यहाँ हाइड्रोजन हो गया फोर, और इधर में हाइड्रोजन कितने हैं, दो यहाँ है, इस बॉक्स में हम कुछ कर नहीं सकते,
इस बॉक्स में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर भी हमारा हाइड्रोजन हो जाएगा 4। हाइड्रोजन को हमने बैलेंस कर लिया तो हाइड्रोजन इस तरीके से इधर में हो गए 4, इधर में 2 × 1 हाइड्रोजन दैट इज 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन दैट इज 4 हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन हो गया, अब हमें देखना है कि ऐसा करने से किस पे इम्पैक्ट पड़ा है। तो इम्पैक्ट पड़ा है इस पे सोडियम पे और ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन कितने हो गए इधर 2, और इधर में ऑक्सीजन कितने हैं 2, ये भी सही है। तो ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है, और अब सोडियम इधर 2 है इधर 1 है तो सोडियम को भी हम बैलेंस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2Na+2H2O इज इक्वल टू 2NaOH+H2। ये हो गया हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसमें आप देख चेक कर सकते हैं करेक्शन के लिए कि इधर सोडियम 2 है, इधर सोडियम 2 है, इधर हाइड्रोजन 4 है, इधर 2 × 1 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन यहाँ से 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन × 2 × 1 2 है, इधर भी 2 × 1 2 है। तो इसका मतलब है कि ये पूरा बैलेंस है, करेक्शन भी हो गया। अब इसको और ज्यादा इन्फॉर्मेटिक बनाने के लिए आप चाहें तो लिख सकते हैं कि सोडियम किस तरह का है, हाइड्रोजन किस तरह का है। तो सोडियम सॉलिड होता है, 2Na ये सॉलिड होता है, हाइड्रोजन 2H2O कैसा है ये लिक्विड है। ये रिएक्शन करके 2NaOH NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस होता है, और ये हाइड्रोजन गैस, ये गैस है, और इसमें एरो बना देते हैं। एरो बनाने का मतलब ये हुआ कि गैस ऊपर इवॉल्व हो रही है। इसी तरह से एरो अगर नीचे बनाया जाए तो इसका मतलब कोई प्रिसिपिटेट जमा हो रहा है, पेंदी में जमा हो रहा है, तो हम एरो भी बना देते हैं। इससे हमारा सुंदर सा इक्वेशन बन जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं और फिर आपको समझाते हैं कैसे करते हैं। तो एक और तीसरा इक्वेशन हम लेते हैं, इथेन को, इथेन इसको कहते हैं, इसको अगर ऑक्सीजन में जलाया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और प्लस वाटर मिलता है, ठीक है। तो अब इसको बैलेंस करना है हमें। ध्यान से देखें वही सारे काम, अब उतने सारे स्टेप नहीं लिखना होता है, वो तो हमने समझाने के लिए लिख दिया, इतना स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप बैलेंस कर सकते हैं। सबसे ज्यादा आप देखें कि इसमें कौन सा चीज है, तो हाइड्रोजन इधर 6 है इधर 2 है, हाइड्रोजन की संख्या सबसे ज्यादा है। तो आप इसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन को बराबर कर सकते हैं, तो इसको 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगले स्टेप में लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, एक स्टेप फालतू लिख दूंगा। ये हो गया C2H6+O2 इज इक्वल टू CO2+3H2O, ये हो गया है ना, ऐसा कर लिया। तो यहाँ हाइड्रोजन 6 हो गया, इधर हाइड्रोजन 6 हो गया है ना। अब देखिए कि हाइड्रोजन को 6 करने से यहाँ पे हाइड्रोजन 6 हो गए, ऑक्सीजन 3 है इधर, इधर 2 ऑक्सीजन, 3 और 2 5 ऑक्सीजन हो गए, और कार्बन जो है इधर ऑक्सीजन 2 है, कार्बन इधर 1 है इधर कार्बन 2 है। तो इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो कार्बन हो जाएंगे कितने, अब देखिए अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2CO2+3H2O। तो इधर हो गए कार्बन कितने बताइए, 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन हो गए, ऑक्सीजन इधर हो गया 2 × 2 = 4, और यहाँ पे 3 × 1 3, तो 4 और 3 कितने हो गए 7। अब यहाँ 7 तो हम कर नहीं सकते, कैसे 7 करोगे, क्या यहाँ हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 7 × 2 = 14 हो जाएगा, और अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 हो जाएगा, अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 हो जाएगा, तो क्या करें। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 7 करने के लिए यहाँ 7/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा कर लें अगर देखो ये 7/2 मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करते हैं ऑक्सीजन को, तो ये हो जाएगा 2CO2+3H2O। लेकिन ये चीज का भी फ्रैक्शन नहीं होती, मॉलिक्यूल या तो 1 होंगे या 2 होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे, इसका मतलब है कि पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये लाइन जो है ये सिर्फ समझने के लिए है, ये लिख दिन है, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो C2H6+7O2, और ये मिल जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4CO2+6H2O, और ये पूरा का पूरा इक्वेशन क्या हो गया हमारा, बैलेंस इक्वेशन हो गया। समझने के लिए बीच वाली स्टेप लिखी है, अब आप चाहो तो चेक कर सकते हो।
कि क्या आपका ये इक्वेशन बैलेंस है। देखो 6 × 2 क्या हो गया, 12 हाइड्रोजन, इधर में 6 × 2 12 हाइड्रोजन, इधर 4 कार्बन, इधर में 4 कार्बन, ऑक्सीजन इधर 14 है, इधर 4 × 2 = 8 एंड 6 × 1 6 और 8 14 इधर हो गया। इसका मतलब ये पूरा का पूरा इक्वेशन अब क्या है, बैलेंस। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन इस के बाद दिया हुआ है एनसीईआरटी में और उन क्वेश्चंस का जवाब ढूंढते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाई मैग्नीशियम इज रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग। तो मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग जस्ट टू रिमूव, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो उसके ऊपर जो कि मैग्नीशियम का जो रिबन है वो एयर में ही होता है, एयर में है, तो उसके ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऊपर में मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बन गया होता है, तो उस लेयर को हटाने के लिए उसको पहले क्लीन किया जाता है बिफोर बर्निंग, सो दैट वी कैन गेट द डिजायर्ड रिजल्ट केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट थिंग दैट टू रिमूव द मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ओवर द मैग्नीशियम रिबन, वी शुड क्लीन इट टू गेट डिजायर्ड केमिकल रिएक्शंस। ये बात हो गई जो इसका जवाब है ना। और दूसरा कि इट विल ऑल्सो रिड्यूस, इफ देयर इज अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इट विल रिड्यूस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट मीन्स इट शुड रिड्यूस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये केमिकल रिएक्शन को स्लो कर देगा, और अगर हम इसे रब कर देंगे, रब करके उसके बाद इसको जलाएंगे, तो ये बहुत तेजी से जलेगा और रिएक्शंस का रेट जो होगा वो फास्ट होगा। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब हुआ कि जो प्रोसेस हो रहा है वो थोड़ा फास्टर होगा, अगर हम उसे नहीं करेंगे तो थोड़ा स्लोअर होगा। तो इन दो कारणों से पहले क्लीन किया जाता है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं कि बैलेंस करें केमिकल इक्वेशंस को। और दूसरा क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन ये है कि केमिकल इक्वेशन लिखें बैलेंस फॉर्म में। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मेक्स हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये लिखा है, इसको आपको बैलेंस करके लिखना है। तो देखिए इधर में हाइड्रोजन 2 है, इधर में हाइड्रोजन 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और क्लोरीन का फॉर्मूला Cl2 होता है, तो ये 2HCl, H2 + Cl2 = 2HCl, ये हमारा इक्वेशन हो गया। क्लोरीन Cl2 होता है, हाइड्रोजन H2 होता है, पता ही आपको क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन होते हैं, तो ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो दूसरे का ये पहला सवाल जो है वो ये है, ठीक है। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। दूसरा इसका पार्ट है बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट SO4, सल्फेट SO4 होता है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, तो एल्युमिनियम सल्फेट ऐसा होता है। बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, ये होता है। अब ये बेरियम क्लोराइड है, ये एल्युमिनियम सल्फेट है, ये बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड, इसको बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करोगे बताओ, H2 + Cl2 2HCl। यहां पे देखेंगे सबसे पहले इसकी संख्या सबसे ज्यादा है, किसकी संख्या सबसे ज्यादा है, तो ऑक्सीजन यहाँ 4 है और 3 से मल्टीप्लाई है, 4 × 3 = 12, तो 12 ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन 4 है, इसका मतलब है कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया 12, 12 ऑक्सीजन इधर हो गए, इधर भी 12 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। अब ऐसा करने से बेरियम 3 इधर हो गए, तो इधर भी बेरियम 3 कर देते हैं, तो 3 BaCl2 ऐसा हो गया। क्लोरीन इधर हो गए कितने, 6, 2 क्लोरीन यहां से और 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6, तो इधर क्लोरीन 6 करने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्लोरीन 3 है, 2 × 3 = 6, अल्मोनियम इधर 2 है, इधर भी अल्मोनियम 2 है, सल्फेट इधर 3 है, सल्फेट इधर 3 है, तो अब ये इक्वेशन हो गया बैलेंस पूरी तरह से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। तीसरा सवाल जो है इसमें ये दिया हुआ है, ये हम कर चुके हैं, सोडियम प्लस वाटर और इससे बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस, ये हम पहले कर चुके हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है,
इसमें देखिए हाइड्रोजन इधर दो है, इधर हाइड्रोजन दो है, इधर सोडियम एक है, इधर ऑक्सीजन एक है, इधर हाइड्रोजन थ्री है, थ्री है, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको अगर दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चार ऑक्सीजन हो जाएंगे, इधर भी दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दो हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन चार हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन इधर, दो ऑक्सीजन इधर, दो सोडियम इधर, दो सोडियम इधर, तो इस तरीके से ये बैलेंस हो जाएगा, ये सवाल का जवाब है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अगला जो सवाल है थर्ड, उसमें लिखा है कि बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ वाटर में ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं, तो वाटर जो है वो कैटलिस्ट के फॉर्म में है, हम वाटर का कुछ वैसे ही रह जाएगा, बेरियम क्लोराइड जो है उसका फॉर्मूला क्या हो सकता है बताइए। तो बेरियम क्लोराइड होगा BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट, सोडियम Na सल्फेट SO4, ठीक है, और यहाँ टू से मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि सल्फेट की वैलेंसी टू होती है, और प्लस वाटर, वाटर के प्रेजेंस में है, आप चाहें तो इसको वाटर यहाँ पे भी लिख सकते हैं या एरो में भी लिख सकते हैं, वाटर ये कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट है, और ये बनेगा बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जो है NaCl2, NaCl सॉरी NaCl, और प्लस वाटर एज इट इज यहाँ पे भी निकल जाएगा, तो वाटर तो ऐसे ही रहेगा, इसलिए इसको हम कहते हैं कैटलिस्ट। बताया था आपको कि कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, बट करने के बावजूद भी वो एज इट इज बाहर निकल के आ जाता है, रिएक्शन उसके बिना संभव नहीं है, उसके प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, तो वाटर में ही ये दोनों रिएक्शन करके और अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं। अब इसको हमें बैलेंस करना है, तो बेरियम जो है यहाँ पे देखिए सल्फेट बेरियम एक है, इधर बेरियम एक है, इधर सल्फेट एक है, इधर सल्फेट एक है, इधर सोडियम दो है और इधर क्लोरीन भी दो है, तो इसको अगर टू से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा BaCl2 प्लस Na2SO4, Na2SO4, SO4, ठीक है, सोडियम सल्फेट प्लस H2O, ये हो जाएगा BaSO4 प्लस 2NaCl प्लस H2, ये है, तो ये हमारा इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो। इसी तरह से एक और सवाल इसमें दिया हुआ है थर्ड का जो दूसरा पार्ट है वो लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों मिलकर के वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज इन वाटर, एक सॉल्यूशन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल ऑलरेडी होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट टूगेदर एंड फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, तो इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, NaOH प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, HCl, क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2O, ठीक है। अब देखिए इसमें कितने हैं, इधर हाइड्रोजन दो है, इधर हाइड्रोजन एक है, और एक यहाँ पे मिलके दो है, तो हाइड्रोजन दोनों तरफ दो है, इधर ऑक्सीजन एक है, इधर ऑक्सीजन एक है, इधर सोडियम एक है, इधर सोडियम एक है, इधर क्लोरीन एक है, इधर भी क्लोरीन एक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑलरेडी बैलेंस है और बैलेंस इसको अलग से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और ये रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर बनता है, और इसमें ऑलरेडी ये बैलेंस है इक्वेशन में, तो यहाँ बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये जो पहला पार्ट था केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस का, वो आपको समझ में आ गया यहाँ तक। अब हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे अगली क्लास में, कि केमिकल रिएक्शन कितने तरह के होते हैं और उनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है। आज हमने सीखा है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्यों जरूरी है, और उसके आधार पर इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस थे उनके हमने जवाब लिखे, जवाब दे दिए। आपको उम्मीद है कि ये सारी चीजें समझ में आ गया, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गया होगा। देयर इज नो कन्फ्यूजन एट ऑल एंड यू हैव ऑलरेडी लर्न हाउ टू राइट द केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, और जितना बेहतर हो सके
ये सारे एग्जाम्पल जो हमने दिए हैं इसको लर्न भी कर ले ताकि आगे आपको काम आएगा। ठीक है, तो होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। जो 7 स्टेप्स हैं वो 7 स्टेप्स लिखे हुए हैं, उन सारे 7 स्टेप्स को आपको रिकॉल करना है। किसी किसी क्वेश्चन में लिखते समय 7 की जरूरत नहीं पड़ेगी, हो सकता है 5 में भी काम चल जाए, यहाँ तो 1 में ही काम चल गया। नो नीड टू राइट एनीथिंग, इवन ए सिंगल स्टेप इज इनफ टू राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन बिकॉज दे आर ऑलरेडी बैलेंस। सो इन दैट केस व्हाट इज नीड टू राइट दैट केमिकल इक्वेशन कैन बी बैलेंस, इट मे बी ऑलरेडी बैलेंस एंड वेयर एवर इट इज नॉट बैलेंस वी नीड टू राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दैट्स इनफ। राइट, तो एक ही स्टेप में हो सकता है, 2 में हो सकता है, 3 में हो सकता है, 7 के बजाय 8 9 में भी हो सकता है, क्योंकि जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा होंगे तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको बार बार दिमाग लगाना पड़ेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 3 हैं तो ठीक है, ज्यादा होंगे तो ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन तरीका यही है। कोई जरूरी नहीं है कि हर एक को बैलेंस करने के लिए 7 स्टेप ही जरूरी है, वो 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखें कि एक ही इक्वेशन हुए हैं, एक से एक ही स्टेप लिखा, जैसे ही हमने लिखा वैसे ही वहां पे केमिकल क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो ऐसी स्थिति में कि बैलेंस एक स्टेप में भी हो सकता है और 5 7 8 9 स्टेप भी लग सकते हैं, हमने 7 स्टेप इसलिए लिखा कि 7 चेक पॉइंट्स हैं जहां पे आप चेक कर सकते हैं। और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों लिखना है, सो दैट मास विल रिमेन्स कंजर्व्ड इन रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट, बिकॉज इन एनी केमिकल रिएक्शन ओवरऑल मास रिमेन्स कंजर्व्ड, मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शंस। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद है आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना, इसी तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इन सब चीजों के बारे में हम अगले दिन पढ़ेंगे, अगले दिन समझेंगे। उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपने एक नई चीज सीख लिया होगा। जो कुछ बच्चों को हो सकता है कि फॉर्मूला लिखने में दिक्कत हो, जैसे सोडियम क्लोराइड को NaCl क्यों लिखते हैं और बेरियम क्लोराइड को BaCl2 क्यों लिखते हैं, ये सब 9th क्लास में पढ़ाया जा चुका है। आप उनकी वैलेंसी याद कर लें और वैलेंसी याद करने के पश्चात कि किस एटम के एलिमेंट किस एलिमेंट की एटम की क्या वैलेंसी होती है और उसके हिसाब से केमिकल इक्वेशन जो फॉर्मूला होता है वो कैसे लिखते हैं, तो वो आप कर लेंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको आएगा। जैसे ये बता ही देता हूँ कि NaCl है, दोनों की वैलेंसी 1 1 होता है, याद रहेगा तो ये सीधे कैंसिल हो जाता है। जबकि BaCl2 लिखना है तो आप क्या करेंगे कि क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है और बेरियम की 2 होती है, तो ये 1 है ये 2 है, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, BaCl2। ये सब 9th क्लास में पढ़ाया जा चुका है, उम्मीद है आपको आता होगा इसलिए हम इसे डायरेक्ट लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, अगले दिन फिर मुलाकात होती है और जो अगली क्लास हमारी होगी उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये क्लास और इसके पिछले वाली क्लास को जो आपने हमने पढ़ाया है, इन दोनों क्लास की चीजों को आप अच्छे से रिवाइज कर लेना ताकि अगली क्लास आपको अच्छे से समझ में आए। टिल देन, बाय बाय, गॉड ब्लेस।